नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आपको बता दें, शेरघाटी में जयप्रकाश नारायण की मनाई गई 44वीं पुण्यतिथि। आपको बता दें, शेरघाटी शहर के डाक बंगला रोड स्थित जेपी चौक के समीप जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर नवबिहार टाइम्स के उप संपादक सह जेपी सेनानी अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2002 में जयप्रकाश नारायण का प्रतिमा स्थापित किया गया था। इस मौके पर जयदू प्रखंड अध्यक्ष, आपको बता दें, अरविंद कुमार, अमृत अग्रवाल, महमूद आलम अहमद, राजेश कुमार, पत्रकार कौशलेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, कवि मुकेश आदि लोग उपस्थित रहे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। जयप्रकाश नारायण जी का मूर्ति लगाया, तो क्या आप उद्देश्य देना चाहते हैं? ऐसा है कि इस प्रतिमा की स्थापना 2002 में हुई है यहाँ, तो उस समय यहाँ बाबूराम मुर्मू जी SDO हुआ करते थे, राजीव बाबू थे जो DSP थे, जयंत बाबू यहाँ नगर के अध्यक्ष थे। तो उस समय मेरे मन में ये बात आई कि चूँकि मैं JP सेनानी भी हूँ, 74 आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे मन बात आई कि ये फाउंडेशन मैंने देखा यहाँ पर पहले से बना हुआ था। तो SDO साहब से पूछा कि ये फाउंडेशन कैसा है, तो उन्होंने बताया कि ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक पहले हमारे पहले एक SDO हुआ करते थे, जोगिंदर दास जी या भक्त जी, तो उन्होंने ही इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो मैं, सर ऐसा है, 2002 जो है ये JP का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो क्यों नहीं इसी वर्ष हम लोग इस मूर्ति की स्थापना यहाँ करते। उन्होंने सर स्वीकार किया, कहा कि आप ही इसके संयोजक रहे, नगर पंचायत में बैठक हुई और मुझे संयोजक बनाया गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और यहाँ के लोगों के सहयोग से ये प्रतिमा की स्थापना 2002 में यहाँ की गई। काफ़ी लोग यहाँ पर ही थे। मेरे मन में एक ही बात थी कि बहुत लोगों ने कहा था कि इस प्रतिमा की स्थापना, उस समय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे शकील अहमद जी, तो जो राजनीतिक दल के लोग थे उन्होंने कहा कि शकील अहमद जी से इसका मूर्ति का अनावरण किया करवाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर सिरोही जी कमिश्नर हुआ करते थे, पदाधिकारी वर्ग ने कहा कि सिरोही जी से अनावरण किया जाए। मेरे मन में एक बात आई कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में जिन्हें रहने का मौका मिला है, तो उन्हीं से इस मूर्ति का अनावरण कराएंगे, और सबने स्वीकार किया। तो आदरणीय नर्मदेश्वर पाठक जी उस समय जिंदा थे, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, हर सबने स्वीकार किया कि हमारे तो गुरुदेव रहे हैं, इसलिए उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह प्रतिमा की स्थापना की गई। और हम, मेरे मन में यहाँ जाते, जहाँ तक बात है, आपने ये सवाल किया कि जहाँ भी जाते हैं प्रतिमा के, जब मैं औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष था 1994 में, तो प्रशासन ने मुझे संयोजक बनाया गांधी जी के 125वीं वर्षगांठ की, और आज भी कलेक्ट्रेट में जो गांधी जी की प्रतिमा देखते हैं वो 94 में, उसमें प्रशासन में जो डॉक्टर AC मिश्रा DM हुआ करते थे, काजमी साहब SP हुआ करते थे, इन लोगों ने हमें संयोजक बनाया और प्रशासन ने संयोजक बनाया, और वहाँ हमने गांधी जी की प्रतिमा का स्थापना, जब गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, हमने किया। तो हमारा एक स्वभाव है, मैं रचनात्मक कर करता हूँ, राजनीति में 74 आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, और 5 जून 1974 को मैंने JP के सामने कसम खाई थी कि ईमान की रोटी खाएंगे, तो राजनीति में मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल बात थी, और रचनात्मक कार्य को मैंने सहारा लिया, और आज यही कारण है कि JP की ही संस्था में अपना 36 वर्ष योगदान दिया। उसी क्रम में मैं यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग का मैनेजर होकर गया था, जिसमें इस मूर्ति की स्थापना 2002 की, और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। उस समय प्रभात फेरी निकली थी, जिसमें शहर के सारे लोग थे, सफाई अभियान चला, प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, कार्यक्रम हुए, और JP के सानिध्य में रहने वाले करीब 7-8 लोग ऐसे थे जो उनके निजी तौर पर थे, उनको बुला करके हमने सम्मानित करने का काम किया, जिस JP के निजी चालक थे उस समय विद्याभूषण भाई, तो उनको मैंने आग्रह किया कि आप आइए और आपको हम लोग सम्मानित करेंगे। JP के साथ एक थे गुलाब जी, जो कि यहाँ पर बैंक में थे, पहले बड़ौदा बैंक में यहाँ भी कुछ दिन रहे हैं, और यहाँ झारखंड की किसी जगह पर थे, उनको मैंने बुला करके यहाँ उस मंच से जो है, अभी तो नवबिहार टाइम्स में हैं सर, अभी हम नवबिहार टाइम्स के उप संपादक हैं, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पद से मैंने औरंगाबाद से मैंने वहाँ से अपना समाप्त हुए, जिसे उस समय हमारी जो है समझिए कि वहीं से हमारा जो है खादी ग्रामोद्योग का कार्यक्रम जो है, और मैंने समझिए कि मैंने उसी समय अवकाश ग्रहण किए, और उसके बाद मन में थी बात, और सब लोगों ने कहा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी औरंगाबाद पहचान है,
और वहाँ ऐसे भी कहने को नहीं, लेकिन लोगों के प्रेशर से, लोगों के दबाव से हम 15 का विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। सामाजिक यहाँ हमारा बहुत सिरघाटी से अच्छा लगाव है, सिरघाटी के लोगों से हमारा बहुत, और यही कारण है कि कम से कम पुण्यतिथि के अवसर पर, जेपी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ जरूर आते हैं। सबका अमृत अग्रवाल जी हैं जो हर वर्ष मेरे साथ ये रहते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सारे लोग हैं, यहाँ के लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता है, और इसीलिए मैं प्रतिदिन इन लोगों के प्रेम के कारण और एक हृदय से जो जुड़ा हुआ है तो उसके साथ खींचा चलाता हूँ, और यही है कि जब तक जिंदा रहें तब तक इस धरती से हमारा जो है लगाव बढ़ाते रहें। अभी मैं उप संपादक के पद पर हूँ नव बिहार टाइम्स अखबार के, और अच्छा चल रहा है, वो भी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।